वफादार करो, वफादार करो, वफादार करो। तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं मत तेरे सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आज हमने यहाँ पे सिर्फ अपने अहदेदारान को, आपने जो तंजीम के सब डिवीजन लेवल के, डिवीजन लेवल के अहदेदारान है, डेलीगेट हजरात है, उनको बुलाया यहाँ पे। और हमारे एहतजाज का मकसद सिर्फ इतना है कि जो तनख्वाह की आदम अदायगी की वजह से जो मामला खड़े हो गए, जो परेशानियाँ खड़ी हो गई है, हमारे बच्चों को स्कूलों में फीस ना होने की वजह से निकाला जा रहा है, और हमारे जो लोग मरीज है दवाइयों की वजह से वो तरस रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार तसे मस नहीं हो रही है। रियासी सरकार ने तनख्वाह गुजार किया है, वो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट में पिछले 8 दिनों से पेंडिंग है। ईद उल फितर की आमद आमद है, और अगर आज हमारी तनख्वाह गुजार नहीं की गई तो फिर कब तनख्वाह गुजार की जाएगी। हमारी रियासी सरकार से अपील है कि वो आज शाम तक हमारी तनख्वाह गुजार करे। अगर आज शाम तक हमारी तनख्वाह गुजार नहीं की गई तो हमने कल से 3 रोजा मुकम्मल तालाबंद की हड़ताल की कॉल दी है। तमाम पीएचई दफातर मुकम्मल बंद रहेंगे, और सीनिचर की शाम को हम फैसला करेंगे कि इस हड़ताल को आगे लिया जाए या मुकम्मल काम चो हड़ताल की कॉल दी जाएगी। और हम यहाँ के रियासी आवाम से माजरत खाए, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है एहतजाज करने का, हड़ताल करने का, काम चो हड़ताल पे जाने का, लेकिन इस सब के लिए हमें यहाँ की रियासी सरकार, यहाँ का महकमा पीएचई मजबूर कर रहा है। हम इस सबको कंडम करते हैं, और कश्मीर पीएचई ज्वाइंट अपलाइज एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम दिया है इसको मिनान आम लाया जाएगा, और तब तक इस प्रोग्राम में शिद्दत व जिद्द से काम किया जाएगा जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा।